भोपाल न्यूज़ अपडेट्स में इस वक्त मेरे साथ वेल नोन एक्टर राकेश बेदी जी हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका भोपाल में और भोपाल न्यूज़ अपडेट्स में बहुत बहुत स्वागत जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। आज आपका जो प्ले है मसाज, उसके बारे में, मतलब ये आपका प्ले है और उसमें मैंने जो पढ़ा है, यू आर प्लेइंग 34 कैरेक्टर्स। 24 जी, तो ये थोड़ा सा बताएंगे इस प्ले के बारे में? ये एक आदमी की जर्नी है जो एक्टर बनने जाता है बॉम्बे, और उसके साथ क्या क्या होता है। ऐसा है कि सक्सेस स्टोरी सबकी, सबको पता है, अक्षय की पता है, आमिर की पता है, या शाहरुख की पता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं बन पाते। तो एक कहानी उनकी भी होती है। अच्छा। तो ये ऐसे आदमी की कहानी है, उसको उसकी लाइफ में क्या क्या उसकी जर्नी में होता है, और वो कैसे कैसे लाइफ से गुजरता है, और कौन कौन उसको मतलब जो करेक्टर्स मिलते हैं, तो वो सब पोर्ट्रे किया है। विजय तेंदुलकर साहब का लिखा हुआ बड़ा अच्छा नाटक है, और मैं 17 साल से कर रहा हूँ इसको। जी बिल्कुल, ये भी एक अपने आप में एक कहें रिकॉर्ड है कि आप इतने सालों से इसको प्ले कर रहे हैं। तो और उसके बाद अगर हम आपकी जर्नी देखें, जो आपकी जर्नी रही है, आपके जो दो जो सीरीज अगर हम बात करें, श्रीमान श्रीमती और एक वो था ये जो है जिंदगी, वो तो माइलस्टोन है, मतलब अगर हम कहें तो टीवी के इतिहास में। आप क्या कहेंगे, आप कैसे रिफ्लेक्ट बैक करते हैं जब देखते हैं अपने जर्नी को? आपको जानकर हैरत होगी कि मैं अपनी जर्नी को पीछे मुड़ के देखता ही नहीं कभी। अच्छा। हाँ, और आपको शायद ये भी जानकर थोड़ा सा अजीब लगे कि मैं अपने खुद के एपिसोड देखता ही नहीं कभी। हाँ, मतलब मैंने श्रीमान श्रीमती इतना पॉपुलर है, मैंने शायद 3 या 4 या 5 एपिसोड देखे होंगे कभी। हाँ। और पिछले 8-10 साल में तो एक भी नहीं देखा, मतलब हालांकि सब अवेलेबल है, लेकिन मैं नहीं देखता हूँ। मुझे लगता है कि वो मैं वहाँ से, मैंने उसको एंजॉय किया काम को, मैं वहाँ से करके आगे निकल गया। अब उसको मुड़ के क्या देखना कि मैंने वो किया था ऐसा। हाँ। मेरा वो मुझे वो अच्छा। मुझे ये बड़ी अलग सी बात है, क्योंकि आजकल जो हम लोग देखते हैं जो एक्टर्स हैं, वो जाके तुरंत मॉनिटर में चेक करते हैं कि उनका लुक कैसा आया, उनका डायलॉग डिलीवरी कैसा है, वो कैसे लग रहे हैं। तो आप इस तरह का नहीं करते? नहीं, मुझे नहीं उसमें, मैं उस जोन में नहीं जाता। मैं मेरा अगर मैं करेक्टर में हूँ, अगर मैं करेक्टर में ही नहीं हूँ तो लुक वगैरह सब बेकार हो जाता है। हाँ। अगर मैं करेक्टर में हूँ तो बाकी सब चीज़ें अपने आप सही बैठ जाती हैं। हाँ। मैं इस जी, तो कॉमिक टाइमिंग क्या ऐसा आपके अंदर है जो आपको इतने एफर्टलेसली आप कॉमेडी कर पाते हैं? अब ये तो पता नहीं मुझे, लेकिन ये है कि बस मुझे शौक है, और मैं कोशिश करता हूँ कि लाइफ में भी ह्यूमर हर जगह से ढूँढूँ, निकालूँ। और ह्यूमर हर जगह रहता ही है, छुपा रहता है, उसको निकालना पड़ता है। तो बस वही है, और ऐसा मैं कुछ पास्ट में अपनी पास्ट ग्लोरी में नहीं जीता। हाँ। you know, जो चल रहा है काम उसके बारे में सोचता हूँ हमेशा। चलिए, नया क्या अभी हम आपका देख पाएंगे? नया अभी आजकल तो एक भाभी जी घर पे है सीरियल में, मैं आता रहता हूँ। हाँ। अंगूरी का बाप, अंगूरी के फादर बन के। और बाकी कुछ फिल्में मेरी आने वाली हैं, एक मेरी फिल्म अभी बहुत जल्द रिलीज हो रही है कुछ ही दिनों में, जिसका नाम है सब कुशल मंगल। एक उसके बाद आएगी 3-4 महीने के बाद, जिसका नाम है इंदु की जवानी। तो ये दो फिल्में इमीडिएट रिलीज पर हैं। और जहाँ तक नाटक की बात है, तो मैंने अभी एक नाटक कुछ दिन पहले खोला था, मेरा लिखा हुआ, डायरेक्ट किया हुआ, जिसका नाम है जब वी सेपरेटेड। और एक नाटक मेरा अगले महीने ओपन हो रहा है, वो भी मैंने ही लिखा है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, उसका नाम है पत्ते खुदाई।